हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी प्रीति। तो आज हम निकले हुए हैं मनसा देवी के लिए। मनसा देवी मंदिर थोड़ी चढ़ाई में है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ से अभी हम गाड़ी से उतर कर पैदल चल रहे हैं। छुप गई, फोर व्हीलर अंदर अलाउ नहीं है, यहाँ पे टू व्हीलर ही जा सकते हैं। मनसा देवी के लिए सड़क पक्की तो है पर थोड़ी उबड़ खाबड़ है, पूरा जंगल देखो, तो आप टू व्हीलर या पैदल ही चल सकते हैं। टू व्हीलर में जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। भीड़ हो रही लग रहा है। ये देखो ट्रॉली, ये मनसा देवी जा रही है ऊपर को, ये नीचे को। तो दोस्तों ये आ गया है प्रवेश द्वार मनसा देवी का, और यहाँ से पूरी पैदल यात्रा। तो जो जिन्हें पैदल चलने में दिक्कत होती है तो उनके लिए यहाँ पर टू व्हीलर भी चलते हैं। तो एक जने का 150 रुपीज़ है। आपको यहाँ पे देखना टू व्हीलर स्कूटर से आते हुए जो लोग नज़र आ रहे हैं आएंगे, वही सवारी ले जाते हैं ऊपर मनसा देवी तक, और कुछ लोग ट्रॉली से जाते हैं। देखिए ट्रॉली, ये अभी दर्शन करके नीचे को उतर रहे हैं। ये ऊपर को जा रही है मनसा देवी की तरफ, और ये आपको दिख रहा है दूर सामने पूरा हरिद्वार नजर आ रहा है। दोस्तों आज पहला नवरात्र है तो इसलिए आज भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और पूरे 9 दिन तक ऐसी भीड़ दिखाई देगी आपको। तो चलो यहाँ से देखते हैं, सामने दूर हरिद्वार नज़र आ रहा है पूरा। ज़ूम नहीं हो रहा, वीडियो बन गई अभी, मेरा ले लेंगे पीछे से। देखिए आपने पूरा हरिद्वार नजर आ रहा है, वो देखो वो पूरा ओम पुल दिखाई दे रहा है, वो हर की पैड़ी है आगे, और यहाँ चंडी देवी का जो पुल है ना सामने, वो सामने चंडी देवी आपको दिख रही है, उधर दिखाओ चंडी देवी। जा रहे हैं मनसा देवी। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं मनसा देवी मंदिर के पास बिल्कुल, और यहीं से थोड़ा दूर पर ही आगे मंदिर है। तो पापा मम्मी भी साथ में है हमारे, और हम प्रसाद ले रहे हैं। चले कितना आप पकड़ कर, चलो एक ही बहुत है भैया, एक ही बहुत है, कोई बात नहीं। ये इधर से ये स्कूटर वाले भैया आ रहे हैं, यही हमें ले गए थे, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और फिर जाते हुए भी उनके साथ जाएंगे। अब तो पापा पैदल ही है ना बस, हाँ? कितना दूर है पैदल? अच्छा
कितने प्रसाद प्रसाद ही प्रसाद। आओ मम्मी धीरे धीरे आओ, चढ़ाई है ना। सुबह तो बारिश हुई थी यहाँ पर, तो अभी तो धूप निकल आई है। हाय देखो देखो छोटे छोटे, ओ ओ पपीज कितने क्यूट हैं। और ये है प्रसाद, ये देखिए ये कमल का फूल, प्रसाद में कमल का फूल माता रानी को चढ़ाया जाता है यहाँ पर। नारियल, कमल का फूल, बताशे, चुन्नी, ये सब यहाँ मनसा देवी मंदिर में चढ़ाया जाता है। और ये रेट लिस्ट दी हुई है प्रसाद की। यहाँ से मंदिर शुरू। जय माता। पापा खड़े हैं। और ये हो गई हमारे मंदिर के अंदर एंट्री। और ये देखिए राइट साइड में चुन्नी बांधी हुई है, ये मान्यता मानते हैं लोग यहाँ पे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं चुन्नी बांधकर। और अब हमें लगना पड़ेगा लाइन पर। ये कौन से गुरुदेव हैं? ये गुरुदेव हैं महंत बुखरामगिरी महाराज जी। महंत बुखरामगिरी महाराज जी हैं। अच्छा अच्छा। सच्चे प्राचीन काल में दरबार में जो दान दक्षिणा भेंट पूजा कराना हो, अपने हाथों से भैया दान भेंट करते रहिए। चल जाओ जा सकते हैं। नहीं नहीं। जय माता जी। घर के जो है ना साझा में पूजा उस तरफ के रखने के लिए ये देवनाल और भाषा में अंतर है। राजावास से घर का जो है बड़ा रूप है। कोई बात नहीं, चढ़ा देना चढ़ा। जय माता दी। जय माता। चलिए चलिए। जय माता।
पापा इधर देखो, पापा जी, मम्मी, मम इधर रखो, पापा के साथ खड़ा जाओ। हाँ वही ना, कोई नहीं, चलो आप खींचना है, मैं जरा पापा के साथ खड़ी हूँ। अंधेरा आ रहा है इधर, उधर से ना अंधेरा आ रहा है, अंधेरा पापा इस साइड पर। ये स्कूटर की सवारी जाती है बस यहाँ पर, ये देखिए। और मंदिर में जाओगे तो खच्चर मिलेंगे, घोड़े मिलेंगे, यहाँ स्कूटर से जाते हो ऊपर, वो उधर ट्रॉली, इधर से स्कूटर या पैदल यात्रा। मुझे ठीक से बैठना है, मैं थोड़ी टेढ़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रुको, पहले आप आगे करो। ट्रॉलियाँ तो चलती रहती हैं, तो दोस्तों मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।